Hello guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. So guys, welcome to my channel God's Glory. आज टैरो रीडिंग हम करने वाले हैं और आज का टॉपिक है टैरो रीडिंग का कि क्या आपके पर्सन जो भी आपका लव इंटरेस्ट है वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे. ओके, सो ये आज का टॉपिक है और मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हुई हैं. पाइल नंबर वन ये है, पाइल नंबर वन, और ये है पाइल नंबर टू. दो पाइल्स हैं गाइज, पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू. आप इसमें से एक पाइल चूज कर सकते हैं. आज हम देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू कि क्या आपके पार्टनर, आपके जो भी एक्स पार्टनर है, पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, वो आपके पास वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे. आपको उनको भूल ही जाना चाहिए. तो ये जैसे मैंने आपको बताया, दो पाइल्स हैं गाइज. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ऐसी और लव रीडिंग्स मैं आपके साथ लेके आती रहती हूँ. बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी सारी नोटिफिकेशंस आती रहें. अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होती हैं गाइज, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप टैरो या न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग. उससे पहले आपको बोलना चाहूँगी, पाइल सिलेक्शन से पहले अपने आप को गॉड से कनेक्ट करें. बहुत पॉजिटिव सोचें क्योंकि नेगेटिव सोच के हमेशा नेगेटिव आंसर्स मिलते हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके आगे आती हैं. इसलिए प्लीज़ पॉजिटिवली अपने मन को शांत करें, पॉजिटिव होके अपना पाइल सिलेक्शन करें, गॉड से कनेक्ट करें, प्रे करें ताकि आपको आपका राइट आंसर राइट पाइल में मिले. ठीक है, बहुत लंबी सांस लें. 5 मिनट आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो. जो भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं. एक बारी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू. जिसमें भी आपको लगता है आपका आंसर है, आप उस पाइल को चूज कर लें. तो स्टार्ट करती हूँ गाइस पाइल नंबर वन से. आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, क्या है इसका आंसर जिन भी लोगों ने पाइल नंबर वन चूज किया था. ओके, देखते हैं उनके क्या कार्ड्स आए हैं गाइज. The first card is Four of Wands. The second is Death. The third is Emperor. Fourth one is Three of Pentacles. And the fifth is Ace of Wands. The last card is Five of Cups. सो गाइज, ये आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, जो भी आपके एक्स पार्टनर थे या जो भी आपकी आपकी जिन भी इंसान के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका एज गैप होगा, डेफिनेटली होगा. या तो आप उनसे बड़े होंगे या वो आपसे बड़े होंगे, और मेंटली भी वो काफ़ी मैच्योर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपके रिश्ते के अंदर अचानक से कुछ हुआ है. ठीक है, अचानक से कुछ हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो. यहाँ तक कि आपकी बात शादी तक भी पहुँच गई थी, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ. आप लोग शादी करना चाहते थे, साथ रहना चाहते थे. ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में भी वो चीज़ पता हो, बट कहीं ना कहीं फैमिली इशूज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. ठीक है, फैमिली इश्यूज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये चीज़ को डिसाइड किया है, जबकि वो शादी आपसे करना चाहते थे और आपकी बात शादी तक पहुँच भी गई थी. ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. बट ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं. दिस इज़ फॉर श्योर दैट यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स इन योर रिलेशनशिप. बट उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक नई बिगिनिंग ज़रूर होगी. यहाँ पे डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग होगी.
क्योंकि यहाँ पे उनको पछतावा भी है आपसे रिश्ता टूटने का, उनको पछतावा भी है, वो रिग्रेट में है, कहीं ना कहीं पछतावा उनको है यहाँ पे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। हो सकता है उन्होंने अचानक से किसी के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें ख़त्म तो कर दी हैं, बट डेफिनेटली अब वो रिग्रेट करते हैं इस बात पे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, वो पीछे पीछे देख रहे हैं, पीछे सोच रहे हैं, कुछ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका दिमाग हमेशा इन्हीं सब चीज़ों के पीछे लगा रहता है। आपको मे भी ऐसा लगता हो कि दे आर लिविंग अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी उनको स्टॉक करते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं उनकी अपडेट्स जानने की कोशिश करते हो, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, पर उन अपडेट से आपको लगता हो मे बी ही और शी इज़ टू हैप्पी इन यू नो द लाइफ, बट आई थिंक वो खुश नहीं है कहीं ना कहीं, वो मे बी आपको ऐसा शो कर रहे हैं, वो परेशान है और पास्ट में लेकर बहुत सी चीज़ें वो सोचते हैं। वो दिख रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, एक एक उस चीज़ से निकल गए हैं, मूव ऑन कर दिया है, बट वो मूव ऑन नहीं किया है उन्होंने, वो अभी भी उन सब चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, पास्ट के बारे में सोचते हैं, उनको रिग्रेट भी है, उनको पछतावा है उस चीज़ का, और वो वापस आएंगे, वो यू टर्न लेंगे, डेफिनेटली वो यू टर्न लेंगे। उनको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसा इंसान जो उनको समझा पाए, क्योंकि अभी वो जिससे समझ रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनको मे बी इतनी क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, और वो उनको मे बी गलत गाइड कर रहा हो, मे बी फैमिली इशूज़ जैसे मैंने आपको बताया हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, बट डेफिनेटली वो शादी तो आपसे करना चाहते थे। ठीक है, वो शादी आपके आपसे करना चाहते थे, आपके साथ रहना चाहते थे, और जब वो आपके साथ थे तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा भी था, बट जो अचानक से इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं उससे सब चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई हैं, बट चीज़ें शुरू होंगी, और ये होना भी ज़रूरी था। मे भी हो सकता है कि वो आपकी कदर ना करते हो, कहीं ना कहीं आप उनकी कदर ना करते हो, कोई ऐसा इंसान था रिश्ते में जिसको कदर नहीं थी, ठीक है, ये फॉर ग्रांटेड ले रखा था शायद, इसलिए ये चीज़ ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं ज़रूरी थी जो हुई है। बट मुझे लग रहा है एक रिवाइवल होने वाला है, ठीक है, इस रिश्ते के अंदर चीज़ें चेंज होंगी, बेटर के लिए चेंज होंगी, न्यू बिगिनिंग्स होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक्शन होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है वो आपके पास आए। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फॉर श्योर हो सकता है वो स्कॉर्पियो हो, बहुत चांसेस है स्कॉर्पियो होने के। ठीक है, कैंसर भी हो सकते हैं वो, और पाइसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, बट स्कॉर्पियो के काफ़ी चांसेस हैं, हो सकता है आप स्कॉर्पियो हों या वो स्कॉर्पियो हों। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और गाइज, ये साइंस जो मैंने आपको बताए ये साइंस हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें बिल्कुल है। ठीक है, जिस चीज़ की वो गाइडेंस में आकर, जिस इंसान के इन्फ्लुएंस में आके वो चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है वो करियर को उन्होंने चूज़ करा हो, करियर के पीछे उन्होंने वो लग गए हों, या इतना आपको टाइम नहीं दे पाते हों। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे वो जॉब करते हैं या काम करते हैं या कुछ ऐसी जगह पे उनका कुछ इस तरीके से कोई रिलेशनशिप हो, या जिसके बारे में आपको ना पता हो, या उनको कोई पसंद आ गया हो। ठीक है, ये भी चांसेस हो सकते हैं। तो गाइज, एक बारी एंजल से देख लेते हैं, पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। यस, वाओ, सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला, यस द आंसर इज यस, दे विल कम बैक टू यू, दे विल कम बैक टू यू, और चीज़ें ठीक होंगी, आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर होंगी। देखिए, एंजल्स भी यही बता रहे हैं यहाँ पे, द आंसर इज यस, सो डेफिनेटली आई फील दैट दे विल कम बैक टू यू एंड दे आर कमिंग बैक टू यू वेरी सून। द अदर वन इज सक्सेस, तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी, इस रिश्ते को सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल इसके बहुत बहुत ब्राइट चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बात होगी, कहीं ना कहीं आप उनसे बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए अगला ही कार्ड वो आता है जो मैंने आपको बोला, वही कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, कम्युनिकेट आपको करने की भी ज़रूरत है यहाँ पे, जो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब भी वो आपके पास आएँ, आपसे बात करने की कोशिश करें, आप भी उनसे सारी बातें करें, अपनी दिल की बात करें, या जो प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में जो चीज़ें आपने दबा के रखी हैं, आप नहीं निकालते हैं, वो सब बातें भी उनसे शेयर करें, जैसे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है।
ठीक है, बैठकर उस चीज़ के बारे में डिसाइड करें कि क्या करना है, और मुझे लगता है वो भी आपसे कम्युनिकेट कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। ओके, रोमांस एंजल से देख लेते हैं पैशन। तो गाइज यहाँ पे कार्ड आया है पैशन का, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक तो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, कहीं ना कहीं यू बी हैप्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी हैप्पी, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं चीज़ों को लेके, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत नेगेटिविटी है, क्लेंस करें अपने ऑरा को, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं आप चीज़ों को लेके, इतनी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो। बहुत सुंदर आपके कार्ड्स भी आए हैं यहाँ पे, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पैशन आपके रिश्ते में था, ठीक है, और आपको वो वापस पैशन आएगा भी आपके रिश्ते में, ठीक है। जस्ट अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, जैसे कि एंजल्स हमें बता रहे हैं, तो पैशन की भी थोड़ी सी और ज़रूरत है आपके रिश्ते के अंदर। डेफिनेटली पैशन तो था, बट अब जैसे चीज़ें एकदम से ख़राब हो गई थी या प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो कहीं ना कहीं इस पैशन को भी वापस लेकर आने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। आप डिप्रेस ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, यू थिंक लॉट, बहुत नेगेटिव हो गए हैं आप चीज़ों को लेकर। जब भी हम नेगेटिव होते हैं गाइज, फर्स्ट आपको ये मैं चीज़ बताना चाहूँगी, आप कभी भी जब भी नेगेटिव होते हैं चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं, क्योंकि सबसे पहले आप वही चीज़ बोल रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, भेज रहे हैं कि हम लोग बहुत नेगेटिव हैं, ये चीज़ होने ही नहीं वाली, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये काम मेरा बन ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको यही वाइब्रेशंस देनी है कि मैं पॉजिटिव हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ओके, तभी चीज़ें आपकी बेटर होंगी। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी ठीक। ओके, दी अदर इज़ हीलिंग फैमिली इशूज़, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली इशूज़ भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदल रही हैं, बेटर हो रही हैं, कार्ड्स बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को जिनके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है अगर आपको रिश्ते को एक आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे हील होंगी काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है। ओके, द लास्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस, टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। जैसे मैंने आपको बताया गाइस, कहीं ना कहीं आप बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में हैं, परेशान दिख रहे हैं, वो भी परेशान हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया उनको रिग्रेट भी है, वो परेशान हैं, फंस गए हैं इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अपने अंदर, और जैसे देखो एंजल्स भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं, रोमांस एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, दैट यू हैव टू रीकैप्चर ऑल द रोमांस एंड द यूथफुल एनर्जी जो आपके बीच में थी, ठीक है, तो उसको आपको रीकैप्चर करना है अपने अंदर से, वो बच्चे को, वो इनोसेंस को वापस लेकर आना है, इतना नेगेटिव नहीं होना, खुश रहना है, चीज़ें आपके लिए अच्छी होती जाएंगी गाइज। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर वन, डेफिनेटली इसका आंसर येस है, दे आर कमिंग बैक टू यू वेरी सून, प्लीज़ बी पॉजिटिव, नेगेटिव ना सोचें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है गाइज, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना जाएं, लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियोज़ पर आप लाइक करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं, और उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी आकर वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज। तो ये जनरल रीडिंग थी, अगर आप मुझे पर्सनलाइज रीडिंग देना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं गाइज। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय। ओके गाइज, सो पायल नंबर टू, जिन भी लोगों ने पायल ये देखिए चूज़ किया था, नंबर टू चूज़ किया था, पायल नंबर टू चूज़ की थी, क्या है उनके प्रिडिक्शन, लेट्स चेक, एक आध साइड पे रख देते हैं, क्या उनके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स सी। थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस,
द लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द हैंग्ड मैन. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि रिवाइवल तो डेफिनेटली है आपके रिश्ते में, ठीक है. वापस वो आने वाले हैं आपके पास, ठीक है. रीबर्थ होगा रिश्ते का, फिर से ये रिश्ता एक नई शुरुआत लेगा, नया टर्न लेगा. जो भी आप अभी फील कर रहे हैं, आप इतना स्टक हैं, मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल इस हैंग्ड मैन की तरह आप स्टक हैं. यू आर अपसाइड डाउन, योर लाइफ इज जस्ट यू नो बिकम सो टेरेबल एंड स्टक. तो कहीं ना कहीं आप जो एक स्टक हो गए हैं, अपसाइड डाउन हो गई है आपकी लाइफ, मैं समझ पा रही हूँ ये सिर्फ जो है आपके रिश्ते की वजह से नहीं हुई है, एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बिल्कुल फैमिली का इन्वॉल्वमेंट के बहुत चांसेस हो सकता है, फैमिली की वजह से आप लोग अलग हो गए हो. ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि कोई और इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में आ गया हो. ओके, तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल है, बट चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बहुत अच्छे के लिए बदलने वाली हैं, क्योंकि वो अब सोच रहे हैं. सी, वो सोच रहे हैं, वो आपका वेट भी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपके पास जाएं, वो इंतज़ार तो कर ही रहे हैं आपका कहीं ना कहीं, पर अब वो ये भी सोच रहे हैं कि अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि अब वो तीन चीज़ों के बीच में फंस गए हैं. बट अब वो आपकी वेट में हैं गाइस, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हों, चीज़ें चेंज हों, चीज़ें अच्छी हों, ठीक है. तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. दूसरी चीज़, अब उनको ऐसा लगने लगा है, क्योंकि वो हमेशा से आपको एक ऐसा इंसान मानते थे जिसमें, और आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते थे वो हमेशा से. आई डोंट नो उन्होंने आपको बताया है या नहीं, बट अट्रैक्शन एक डेफिनेटली थी आपके लिए, ठीक है. हो सकता है आपका रिश्ता भी ऐसे ही शुरू हुआ हो, ठीक है. अट्रैक्शन थी डेफिनेटली, उनको ये लगता था कि आप बहुत बहुत अट्रैक्टिव हैं. एक अब वो सब कुछ जो उनको आप में मिलता था कहीं ना कहीं, अब वो मैं देख पा रही हूँ उनको नहीं मिल रहा है. कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से भी परेशान हैं, स्टक्ड हैं, उन पर वर्कलोड भी काफ़ी है. अपनी फैमिली की वजह से भी उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, उनकी फैमिली का प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा है. उनको नॉलेज है इस रिश्ते के बारे में, वो समझते हैं कि ऐसा रिश्ता उनको वापस नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं वो स्टक हैं. उनको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी फैमिली के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, उनको उनके साथ रहना पड़ेगा. यही सोच के उन्होंने मे बी आपको छोड़ दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो उनको ये लगता हो कि ऑलरेडी उनकी फैमिली हो, वो मैरिड हो, उनका उनकी एक अपनी लाइफ हो, और वो आपसे मिले हो, और कहीं ना कहीं उनको लगता हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिली के टूवर्ड्स उनके सबसे पहले है, बाद में आपके लिए है, ठीक है. ये भी चीज़ हो सकती है. तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज. और दूसरी चीज़ है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स में हैं वो, ठीक है. बहुत प्रॉब्लम में हैं, उनको सब कुछ पता है, हर एक चीज़ उनको पता है कि ये रिश्ता उनके लिए क्या है, आपके लिए क्या है. वो हर चीज़ से अवेयर है, ऐसा नहीं है वो अनजान है, पर वो फंसे हुए हैं, वो स्टक हैं. वो इधर जाते हैं तो कुआं है, और इधर आते हैं तो खाई है, वो वाली बात है, ठीक है. तो उनको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनको लगेगा चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि वो भी अब आपका वेट कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं चीज़ें ठीक हो. वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ों के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं गलत ना करूँ, कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है. वो बैलेंस इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं कि वो कुछ गलत नहीं करना चाहते किसी के भी साथ. और मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से ऐसी चीज़ें होंगी कि रिश्ते में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ब्राइट ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है. और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत प्योर सोल मानते हैं, ठीक है, भगवान से जुड़ी हुई सोल मानते हैं. ये चीज़ वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो आपके साथ भी गलत ना करें, और साथ ही साथ अपनी फैमिली या जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसके साथ भी गलत ना करें, ठीक है.
ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस। ओके, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लोग, एक सेलिब्रेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, वो मे बी आपको मिलें, आपसे कॉन्टैक्ट करें, या कहीं पे आप इस तरह की गेट टुगेदर पे मिलें कि जहाँ पे आप साथ में आपकी बात हो, आप सेलिब्रेट करें, या कुछ कुछ इस तरीके की होती हुई चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आगे, ठीक है गाइज। एक बार ही कार्ड से देख लेते हैं। वेरी सून, ओके, सो क्लियरली decide what you want so that it comes to you now. Maybe you are also confused, maybe you also, you know, need some time. हो सकता है आपको भी थोड़ा वक्त चाहिए हो, या आप भी क्लियरली नहीं सोच पा रहे हो क्या रहा है, या वो भी जैसे मैंने आपको बताया कन्फ्यूज हैं, चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे, गलत नहीं करना चाहते क्योंकि किसी के साथ, तो डिसाइड करना चाहते हैं एक बारी, टाइम ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा डिसाइड कर लेंगे, डेफिनेटली आपके पास आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। वेरी सून का कार्ड आया है, बहुत जल्द आपके पास वो आएंगे। और अगर आप भी डूबियस हैं, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, डाउटफुल हैं सिचुएशन को लेके, इस रिश्ते को लेके, तो प्लीज़ अपने थॉट्स को क्लियर करें कि आपको क्या चाहिए, सो दैट आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ, क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस, मेरे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, कि वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो भी आपको, आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर जो भी हैं आपको, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, डिसाइड कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके पास वो आएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मे बी योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू इन दिस। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मे बी आप अपने फ्रेंड्स से बात करें इस चीज़ के बारे में, या ऐसा कोई इंसान हो, कोई म्यूचुअल हो, जिससे आपको लगता है बात करने से चीज़ें बेटर हो सकती हैं, आप उनसे बात करें। आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, मे बी दे विल हेल्प यू आउट, और आपको कोई इस तरीके की डायरेक्शन मिल जाए, आपको फ्रेंड्स इस तरीके की डायरेक्शन दिखाएं, जो शायद पार्ट आपने भी ना सोचा हो, जो एंगल आपने भी ना सोचा उस रिश्ते का, ठीक है। सो आस्क फॉर हेल्प, मे बी यू विल गेट हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स और यू नो हूएवर इज इन्वॉल्व, जो भी म्यूचुअल है, जो भी इन्वॉल्व है इस रिश्ते के अंदर, कोई और इंसान, ठीक है, आप सोचें कौन है वो। ओके, द अदर इज लेट गेटिंग टू नो ईच अदर। मे बी हो सकता है कि आपने अपनी आप को, अपने अपने जो अंदर के जज्बात हैं, वो ही उनके साथ शेयर नहीं करे हैं, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कई लोगों ने अपने फीलिंग्स ही नहीं बताई हैं, ठीक है। इस तरीके की कोई सिचुएशन हो गई हो कि वो पहले ही अलग हो गए हों, दूर हो गए हों, अगर आपको पता चला हो कि उनकी लाइफ में कोई और है, आप पहले ही अलग हो गए हों, या फिर आपने ये भी उनको नहीं बताया हो कि आपको पता है वो आप पे चीट कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके की चीज़, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड ओपन अप योर हार्ट इफ़ यू रियली वॉन्ट योर बॉन्ड टू डीपन, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो एक आपका जो रिश्ता है, एक बॉन्ड है, वो और मजबूत हो, तो आप उनसे जो फील करते हैं वो उनको बताएं, रिवील करें अपने अंदर की बात जो आप चाहते हैं, आप मानते हैं, जो फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें, वो और समझ पाएंगे चीज़ों को, उनको क्लैरिटी मिल पाएगी, राइट, इस रिश्ते के बारे में जब भी आपकी बात होती है उनसे। ओके, एंजल्स क्या बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ पे नॉट द राइट टाइम। मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है, हो सकता है अभी वो टाइम सही नहीं आया है, वो टाइम सही नहीं है, बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ थोड़ा टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी डिसाइड करना है एक चीज़ पे, एक डिसीजन पे आना है, क्योंकि वो भी इस तीन चीज़ के बारे में सोच सोच के थक चुके हैं, वो एक डिसीजन बिल्कुल डेफिनेटली लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं अभी राइट टाइम नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि अभी राइट टाइम नहीं है रिश्तों को एक उस लेवल पे लेकर जाने का। अगर आप सोच रहे हैं ओवरनाइट चीज़ें हो जाएं, तो मे बी अभी ओवरनाइट ना हो, इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली चीज़ें ठीक होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। अभी टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, बट चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, सी
ठीक है, ये आपका कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की जहाँ पे ज़रूरत है, हो सकता है वो आपके पास आएँ, आपको समझाएँ, 10 बातें करें, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेकर समझना पड़ेगा, ठीक है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। मे बी वो आपके विश के अगेंस्ट हो सकता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हों कि जो आपके विश के अगेंस्ट हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, बट मुझे लगता है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ कुछ बातों पे, और आप भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ओके, अदर्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है और ज़्यादा आप चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालें, ठीक है, मे बी आपको भी क्लैरिटी नहीं है इसलिए आप भी कन्फ्यूज हैं, इन्फॉर्मेशन लें, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी होती रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आप भी कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्लियरली क्या करना चाहिए, किस रास्ते को जाना चाहिए, तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लें, चीज़ों को सोचें समझें डिसाइड करें, ठीक है, क्लैरिटी जब आपको मिल जाएगी ना आप अपने आप डिसाइड कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्लैरिटी की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो या ये भी यहाँ पे हो सकती है एक चीज़ और, कि वो भी आपके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो भी चीज़ों को लेके अभी कंफ्यूज्ड है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी शायद इस चीज़ को क्लैरिटी के लिए थोड़ा और टाइम और चीज़ों को वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्लैरिटी उनको चाहिए है जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर बोलूँ, डेफिनेटली आपके पास आने के उनके बहुत बहुत चांसेस हैं, ये टाइम अभी ठीक नहीं है, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, मे बी आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, टेक सम टाइम, थोड़ा सा सोचें समझें और फिर चीज़ों को आगे बढ़ें, या वो भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, तब तक आपको भी पेशेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिचुएशन से, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम ठीक नहीं है, बट डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे बिल्कुल रीबर्थ के कार्ड आए हैं, एक वापस रिश्ते को शुरू होगा, रिश्ते की शुरुआत होगी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2, द आंसर इज़ येस, दे विल कम बैक टू यू, ठीक है, एंड वेरी सून, सो यू प्लीज़ बी पेशेंट टिल देन। और वीडियोज़ मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएँ कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टा अकाउंट की डिस्क्रिप्शन भी मैंशनड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पे लिंक मैंशनड है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप टैरो या न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी गाइज, बाय बाय, टेक केयर।